अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? होप यू ऑल आर डूइंग ऑसम। तो आज की जो वीडियो है वो है आरपी प्राइम प्लस के ऊपर, जो कि पबजी मोबाइल ने ख़त्म कर दिया। अब उसके वाउचर्स वगैरह या जिनका एक्टिव था उनका क्या होगा, कंप्लीट डिटेल देता हूं। तो सबसे पहले तो यहां पर जो विनर्स हैं रॉयल पास के उनको देख लेते हैं। तो पहले पे यहाँ पर हमारा ये बैटल चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा लीड थी, मतलब मुझे लग रहा था कि जो है ना स्नाइप करेगा, बट उसने कुछ किया नहीं ऐसा। तो यहाँ पर पहले जो है वो हैं आरटी, आरटी भाई ये हैं बांग्लादेश से, तो इनको यूसी सेंड कर दिए गए हैं या थोड़ी देर में हो जाएंगे। सेकेंड नंबर पर जो है वो लियो गेमिंग है, तो इनको भी यूसी सेंड कर दिए गए होंगे या थोड़ी देर में हो जाएंगे। और थर्ड नंबर पर जो आए हैं विनर हैं जो वो है लेजेंड अनवर, तो इन तीनों भाइयों को ना यूसी वगैरह सेंड कर दिए गए होंगे। यहाँ पर बैटल हमने विन कर लिया है और टॉप थ्री जो है उनको 300 यूसी और 300 एक्स्ट्रा, मतलब टोटल जो है ना एक एक बंदे को 600 यूसी मिले होंगे। बाकी यहाँ पर ये जो डेविल भाई हैं और जितने भी है सब ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया यार, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पर जो मेरा बैटल है वो अगेन भी स्टार्ट हो गया, मुझे लगता है ये लास्ट बैटल ही है, तो लास्ट ही रॉयल पास का गिव अवे होने वाला है यहाँ पर। तो फ्री वाली जो पॉपुलैरिटी है वो सेंड कर देना आप लोग सारे, आईडी जो है वो है 52 51 51 50 50। तो जो भी टॉप थ्री में होंगे उन तीनों को एक एक रॉयल पास के यूसी मिल जाएंगे, मतलब 600 यूसी एक बंदे को मिल जाते हैं, डबल मिलते हैं ना यूसी। तो अब आ जाते हैं हम अपनी मेन वीडियो के ऊपर, आरपी प्राइम प्लस। अच्छा, जब से ये अपडेट आया है ना तो यहाँ पर जो है ना उन्होंने ऑप्शन ख़त्म कर दिया। यहाँ पर एक आइकन होता था उससे हम आरपी में चले जाते थे, तो यहाँ पर वो आइकन ख़त्म कर दिया। अब बहुत से लोगों का एक्टिव था क्योंकि एक ट्रिक आई थी आप लोगों को याद होगा, जिससे वाउचर्स मिल रहे थे काफ़ी ज़्यादा ना, जब हमारे पास एस्टन मार्टन आई थी तो उस टाइम ये इवेंट आया था फेस्टिवल वाला। तो अपडेट के बाद ना पबजी मोबाइल ने ख़त्म कर दिया। तो और मैंने आपको बताया था कि मैंने ना रिपोर्ट किया पबजी मोबाइल को, तो जिस तरह ही कोई आता है ना तो मैं बता दूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पबजी मोबाइल ने ना इसको रिमूव कर दिया है। उधर से आपको वाउचर्स मिलते थे और वाउचर से क्या होता था कि रॉयल पास में जो भी यूसी वाली चीज़ें थी ना, जितने का वाउचर होता था 300 का होता था और 600 का या 900 का होता था, तो उससे आपको उतना यूसी में ना डिस्काउंट मिल जाता था। तो पबजी मोबाइल ने ये ख़त्म कर दिया। अब ख़त्म करने की मेन रीज़न जो मुझे समझ आई है वो ये है कि ये जो आरपी प्राइम प्लस था ना ये दोनों में नहीं होता था, मतलब आईफोन और एंड्रॉयड में नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ आपको ना आप जो परचेस कर सकते थे वो कहते हैं एंड्रॉयड में कर सकते थे फेस्टिवल वाला, आईफोन में ये ऑप्शन ही नहीं आता था। हाँ, जब आप सब्सक्राइब कर लेते तब आ जाता था आईफोन में ना। तो यहाँ पर पबजी मोबाइल का मेल आ गया, आरपी सब्सक्रिप्शन इवेंट रिमूवल। पबजी मोबाइल बोल रहा है कि हमने ये इवेंट है ये एंड हो गया और इसको हमने रिमूव कर दिया है। अगर आपकी जो आरपी सब्सक्रिप्शन स्टिल वैलिड है, मतलब आपकी एक्टिव है, तो जब ये पीरियड एंड होगा ना, सब्सक्रिप्शन का एंड होगा, तो आपको मेल बॉक्स में जो आपके वाउचर्स वगैरह बनते होंगे या टाइटल जो भी, मतलब जिसका जिस तरह हिसाब होगा वो उसको मेल बॉक्स में मिल जाएगा जब ये सब्सक्रिप्शन पीरियड एंड होगा। तो यही सीन है। इसके अलावा अगर आपने खुद किया था एक्टिव अपने प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से, ऐप स्टोर पे तो खैर होता नहीं था, तो यहाँ पर आप जाके उसको क्या कहते हैं वो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन PUBG मोबाइल ने जो आरपी सब्सक्रिप्शन इवेंट है ना ये PUBG मोबाइल ने अब ख़त्म कर दिया है। तो ये जो वाउचर्स वगैरह है ना, वाउचर वगैरह काफ़ी लोगों को नहीं मिल रहे थे क्योंकि इवेंट का आइकन शो नहीं हो रहा था, तो जब सब्सक्रिप्शन एंड होगी ना तो उस टाइम जो है आपको जो है ना ये वाउचर्स वगैरह मिल जाएंगे यहाँ पर। बाकी जिन लोगों का एक्टिव था ना उनको ये मेल भी आ गया होगा, जिस तरह ये अभी हमें साइबर वीक जिस तरह ही ख़त्म हुआ था तो जितने भी क्रेट हमने अगर कलेक्ट नहीं किए थे तो हमारे मेल बॉक्स में आ गए थे ना, इसी तरह ये जो वाउचर है ना जब आपकी सब्सक्रिप्शन पीरियड एंड होगा तो आपको ना मेल बॉक्स में पबजी मोबाइल जो आपके वाउचर्स बनते होंगे 300 के होंगे 900 जो भी आपने एक्टिव किया था वो आपको पता होगा, तो उसके हिसाब से आपको ना मतलब वही वाउचर मिल जाएगा, मतलब वाउचर वगैरह कहीं नहीं जाते आपको वो मिलेंगे। लेकिन इन फ्यूचर हम ये नहीं कर सकते, इधर से हमें वाउचर्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाते थे यार, यूसी वाले भी मिल जाते और दूसरे वाउचर्स वगैरह भी मिल जाते थे। और एक और चीज, आरपी प्राइम प्लस जो है ना वो अलग है, ये प्राइम प्लस अलग है। प्राइम प्लस में इस प्राइम प्लस से इसका कोई लिंक ही नहीं है, प्राइम प्लस जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, ठीक है, प्राइम प्लस से कोई लिंक नहीं है इसका। आरपी प्राइम प्लस एक अलग चीज़ थी और आरपी प्राइम प्लस ना सिर्फ आप एंड्रॉयड से एक्टिव कर सकते थे, आईफोन में तो आता ही नहीं था ना, आईफोन में अगर एक्टिव हो जाता था फिर ही शो होता था। तो मेरे ख्याल से इसी वजह से शायद पबजी मोबाइल ने ख़त्म किया या कोई और भी रीज़न हो सकता है, बट ये अब पबजी मोबाइल ने ख़त्म कर दिया और अब सिर्फ आरपी प्राइम प्लस जो है ना वो नहीं होगा, प्राइम प्लस जो सिंपल प्राइम प्लस है ना वो आपको देखने को मिलेगा जिस तरह हमारा हमेशा होता है यहाँ पर। तो ये है, बाकी वाउचर आपको ना पीरियड के एंड पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 पॉइंट जो अपडेट है ना वो काफ़ी ज़बरदस्त अपडेट है, काफ़ी ज़्यादा ओपी है। तो यहाँ पर ये यूआई है ना सारा चेंज कर देंगे, जिस तरह अभी दो ये यूआई चेंज किए हुए ना, तो नेक्स्ट अपडेट में आपको सारे यूआई जो है ना
इसी तरह देखने को मिलेंगे, जिस तरह ये होला बडी का हो गया ना, इस साइड पे मिथिक है, इस साइड पे बाकी सारे अंदर रिवॉर्ड्स हैं, तो इस तरह का कुछ देखने को मिलेगा। मतलब अपकमिंग जो क्रेट्स है ना वो सारे इसी तरह आएंगे। और यहाँ पर एक्सचेंज कॉइन्स जो है ना होला बडी के, इसमें भी एक चेंज किया पबजी मोबाइल ने। पहले ये टाइम लिमिटेड होते थे, मतलब जब तक इवेंट होता ना तब तक होते रहे, उसके बाद एक्सपायर हो जाते थे, बट अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपके पास ये पॉइंट्स हैं तो एक होला बडी है ना, मतलब एक इसमें निकालें तो आप नेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। जिससे हमारे पास सुपर उसके पॉइंट्स होते हैं ना, सुपर कार्स के पॉइंट्स होते हैं, तो हम नेक्स्ट में भी कर सकते हैं। तो इसी तरह ये सीन है कि एक इवेंट के हैं तो आप नेक्स्ट इवेंट में भी कर सकते हैं। एक्सपायर जो था ना, एक्सपायर जो होते थे टाइम लिमिटेड कॉइंट्स है, वो पबजी मोबाइल ने यहाँ पर ख़त्म कर दिए, जो कि काफ़ी अच्छा है। मतलब 10-10 यूसी करते रहो, जमा करते रहो, करते रहो, करते रहो, जो कोई अच्छा आए आप वहाँ से रिडीम कर सकते हो। तो ये सीन है यहाँ पर आरपी प्राइम प्लस का, और ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आज न्यू एक इवेंट आया, तो एक कोलैब आ रहा है पबजी मोबाइल का, ये सिर्फ पाकिस्तान के रीजन में आएगा। लेजेंडरी वॉरियर इज कमिंग सून, ये है हमारे पास क्या कहते हैं एक इवेंट है। तो यहाँ पर पबजी मोबाइल एक मूवी से कोलैब करने जा रहा है, जो कि काफ़ी हिट गई थी पबजी पाकिस्तान में जो मूवी थी। तो यहाँ पर ये जो है ना एक लेजेंडरी वॉरियर इज कमिंग सून का इवेंट आ गया। यहाँ से आपको ना ड्रॉ टोकन मिलेंगे, इस टोकन से ना आपको वो इवेंट आ जाएगा। मेरे ख्याल से 20 को आना है, वहाँ पर 20 ही बता रहे हैं। तो 20 को जो आएगा ना, उससे आप एक फ्री जो है ना वो ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब एक बार फ्री टाइम ना आप क्रेट खोल सकते हैं, उसमें लग के क्या क्या चीज़ें आती है वो आपके वहाँ से ना निकल जाएगी। ये सारे रूल्स वगैरह लिखे हुए हैं, अभी जस्ट आपने ये करना है, आपने यहाँ से मिशंस करने डेली, उससे आपको ये आग सी मिलेगी, उससे ये लाइन जो है ना ये आगे जाती रहेगी ना। तो ये सारे रिवॉर्ड्स वगैरह मिलते रहेंगे, यहाँ से आपको टोकन्स मिलेंगे, टोकन्स के और भी इवेंट्स आ जाएंगे, तो वहाँ से आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। लेकिन ये मेरे ख्याल से सिर्फ पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान की मूवी है और पाकिस्तान में ही कोलैब हो रहा है, तो ये पाकिस्तान के रीजन में ही सिर्फ आने वाला है। खैर, इसका पहला जो इवेंट है लेजेंडरी वॉरियर इज कमिंग सून, ये हमारे पास आ गया है। और पार्टिसिपेट टू गेट फ्री ड्रॉ वाउचर, ये वही वाउचर है जो मैंने आपको बता दिया, इसे आप ना फ्री वाला स्पिन कर सकेंगे जब ये इवेंट जो है ना असल क्रेट आ जाएगा हमारे पास। तो ये थी आज की वीडियो, होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी भाई बहुत मज़े मज़े की ना अपडेट्स आ रही हैं, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना, 5K रह गए हैं सिर्फ 200K होने में। तो मैं चलता हूँ, मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।